أن الآخرة لا بد يوما آتية كل صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَّا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ अहबाबुलजन्नति हुमुलफ़ून क़ुरान मजीद की एक आयत तिलावत की है अल्लाह ताली से दुआ है अल्ल् ती तरह से बात कहने की सुनने की समझने की और फिर आमल की तोफ़ीता फ़रमाए हम जब दुनिया में आए हैं दुनिया में रहते हैं यहीं जवान हुए यहीं हम हमारी शादियां होती हैं यहीं बच्चे होते हैं यहीं हम रिस्क कमाते हैं यहीं खाते हैं यहीं लोगों को फलता फूलता देखते हैं तो इन तमाम चीज़ों में एक हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक होती है ग़लती होती है वो ये गलती होती है कि हम इसी को असल समझना शुरू कर देते हैं किसी की अच्छी सेहत देखी ख्याल होता है काश मेरी सेहत भी ऐसी होती किसी के पास दौलत देखी काश मेरे पास भी ऐसी दौलत होती किसी का घर अच्छा देखा काश मेरे पास भी ऐसा घर होता ये पूरी दुनिया में ये चीज़ कॉमन है कौमों में भी अफ़राद में भी फ़र्द की तरक्की की जो फ़र्द है कोई ख़ास शख़्स है उसकी तरक्की की डेफ़िनेशन भी ये कि उसकी सेहत अच्छी उसके पास पैसा ज़्यादा घर अच्छा ख़ुराक अच्छी इज़्ज़त माशरे में और कौमों का भी यही मैार है हमारी नज़र में कि कोई कौम माशी लिहाज से इस्टेबल है हेल्थ उनकी रेशो अच्छा है कि वहाँ लोग सेहतमंद ज़्यादा होते हैं उनके पास वसाइल ज़्यादा हैं तो वो कौमें भी कामयाब समझी जाती हैं समझ में आ रही है यह बात यहाँ तक आसान बात है बंदा हो घर हो कौमें हो सबका हमारी नज़र में एक ही मैार है चंद चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया जिसके पीछे भाग रही है सेहत और मीषत माशी लिहाज से आप मजबूत हों सेहत आपकी अच्छी हो ये दो चीज़ें हों तो इज़्ज़त तो गरीबी में मिल ही जाती है गरीबी भी तो होती है ना कोई चीज़ इज्जत का मतलब वो कमाए बगैर भी मिल जाती है दो चीज़ें अगर आपके पास आ गई तो इन्हीं के पीछे इंसान भाग रहा है हम भी सुबह शाम अपनी खोपड़ी में यही चीज़ें लेकर सोते भी हैं और उठते भी इन्हीं चीज़ों के साथ उठते ही ख्याल हाँ भाई जॉब है अल्हम्दुलिल्लाह है यार अच्छी जॉब है अच्छा खा रहा हूँ अच्छा पी रहा हूँ अल्लाह का फजल है नहीं अच्छी जॉब तो यार टेंशन में है यार आज भी मसला है यार जैसे कल मसले थे आज भी क्या है आज भी मसाइल है कोई बीमारी है तो बीमार आदमी की सुबह शाम बस एक ही ख्वाहिश है ये बीमारी ठीक हो जाए आप किसी कैंसर के मरीज से पूछें तेरी दुनिया की सबसे बड़ी क्या ख्वाहिश है वो कहेगा यार मैं ठीक हो बस ये ख्वाहिश है मेरी गरीब से पूछें तेरी दुनिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है वो कहेगा पैसा आ जाए इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए बदसूरत से पूछें तेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है यार हुस्न व जमाल आ जाए यार वो हदीस में आता है ना पिछली उम्मतों में अल्लाह ने एक फ़रिश्ते को आज़माइश के लिए भेजा तीन आदमियों के पास वो इंसानी शक्ल में आया फरिश्ता उन तीन आदमियों में एक कोढ़ का मरीज़ था कोड़ नहीं होता जिसमें गोश गलना शुरू हो जाता है और ये बीमारी चूँकि फैलती है दूसरों को लगती है तो एक तो बीमारी बहुत ख़तरनाक ऊपर से लोग भी घिन खाते हैं दूर भागते हैं यानी कोई साथ भी नहीं देता और टेंशन वरना बीमार आदमी की बीमार पुरसी होती है लोग उसके साथ आके बैठते हैं तो थोड़ी तसल्ली हो जाती है चलो तर्स खाने वाले भी हैं लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जैसे मुझे कोविड नाइन्टीन था मैं बार बार कहता हूँ था अब नहीं है बार बार ये बताता हूँ था बल्कि मैं जब ठीक हुआ ना ठीक होने लगा तो मैंने उस वक्त अनाउंस किया था क्योंकि मुझे पता था पहले बता दिया ऐसा ना इंतजाम यही निकाल दें वे जाओ भाई हाँ एहतियात करे आदमी एहतियाती तदाबीर वो करे दूसरों से भी अपने आप लेकिन मैं जब ठीक होने लगा था उस वक्त मैंने रिकॉर्ड करवाया था जब बीमार था उस वक्त नहीं करवाया था तो कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं लोग तर्ज खा लेते हैं आपको तसली हो जाती है कोड़ की बीमारी के दूर भागते हैं लोग बीमारी बहुत खतरनाक तो एक आदमी को बीमारी क्या थी कोड़ का मरीज था उसकी दुनिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी ये मरज ठीक हो जाए दूसरा गरीब था गरीब गुरबत बहुत ज्यादा उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी पैसा आ जाए तीसरा गंजा था पैदाइशी गंजे होते हैं ना सर पे बाल सिरे से उगे ही नहीं उसके तो जाहिर है ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश है रिश्ता ले जाएंगे विग लगवा के जाएंगे आप ऐसा ही होता है ना तो अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा तीनों की आजमाइश के लिए इंसानी शक्ल में आया फरिश्ता भाई तुम्हें क्या चाहिए गंजे ने का सर पे बाल चाहिए कोई भी होता हम भी उसकी जगह होते तो हम यही कहते मैं जब भी यह हदीस पढ़ता हूँ मैं कहता हूँ यार कितनी बड़ी आजमाइश है गंजा होना और जो हर वक्त टेंड करा के रखते हैं साल के बारह महीने और पूरी ज़िंदगी तो ये कौन सा इस्लाम है भाई टेंड कराना का मज़हब से कोई ताल्लुक़ बोलो नहीं बाज़ लोग टेंड कराते हैं कि शायद ये इस्लाम में कोई फजीलत है इसकी ख़ानक़ाहों में आपने देखा होगा अक्सर मुरीदीन की टेंड होती है तो वो तो दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए अपने मुरीदों को टेंट करवाते हैं लेकिन इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है कोई ट्रेंड गंजा रहना चौबीस घंटे कोई फजीलत की चीज़ है ये जीनत की चीज़ है बाल तो अल्लाह ने रखने के लिए दिए हज और उम्र के मौके पर है कटवाना वो खिलाफ ख़यास है बाकी ट्रेंड कराना जायज़ है लेकिन बस जायज़ है बस बाकी कोई फजीलत नहीं है इसकी तो खैर तो फरिश्ते ने कहा कि क्या ख्वाहिश उसने कहा भाई ये ख्वाहिश है तीनों की के लिए दुआ मांगी उसने और अल्लाह ने तीनों की बीमारी तीनों का जो मसला था वो हल कर दिया और सबको उसने एक बकरी भेड़, दो थोड़ा बहुत माल लसबाब दे दिए कि भई अब कारोबार भी करो पैसे भी कमाओ कुछ वक्त के बाद वो फ़रिश्ता दोबारा आया इंसानी शक्ल में एक भिगारी बन के कि भाई कुछ थोड़ा सा चाहिए हमें तो इन नालायकों ने पहचानने से ही इनकार कर दिया एक पहचान गया और उसने कहा कि भाई ये तो सारा तुम्हारा है तुम्हारी दुआ की बरक़त से ये सब कुछ हुआ है दो इम्तिहान में नाकाम हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाकयात क्यों सुनाते हैं कि इंसान की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है बाज़ दफ़ा वो ख्वाहिश पूरी हो के भी इंसान नाकाम हो जाता है तो कामयाबी और नाकामी का जो मैार है वो ख़्वाहिशात की तकमील नहीं है बल्कि वो ये है कि आपको जो नहमतें मिली हैं उनकी वजह से आप जिस आजमाइश में इम्तिहान में मुबतला हुए हैं आप उस इम्तिहान में कामयाब होते हैं या नहीं होते ये चीज़ गैर मुस्लिम बोलो भाई नहीं मानते जिनको हम फॉलो कर रहे हैं सुबह शाम गोरों के पीछे भाग रहे हैं वो कहते हैं पैसा आना कामयाबी है अगर कामयाबी होती तो पैसे जिसको पैसा मिला वो नाकाम क्यों हो गया कानून नाकाम क्यों हो गया अगर हुकूमत मिलना कामयाबी होती तो फिरौन दुनिया का सबसे कामयाब इंसान होता हालांकि वो दुनिया का सबसे नाकाम इंसान है तो पूरी दुनिया में ये चीज कॉमन है पूरी दुनिया में हिंदू में भी ईसाई में भी मुसलमानों में भी सिखों में भी सुबह से लेके दोपहर दोपहर से लेके शाम शाम से लेके रात रात से लेकर सुबह सेहत अच्छी पैसा और इज्जत बस इसी के पीछे पागल हो गया इंसान पागल का लफ्ज हल्का है बावला हो गया बावला समझते हैं ये पागल की सुपरलेटिव डिग्री है हमें अपने बारे में तो पता होना चाहिए ना हम क्या हो गए हैं तो पागल की सुपरलेटिव डिग्री है बावला और हकीकत ये है कि जब अपने हालात में इंसान ग़ौर करे लोगों से मिले तो ऐसा ही लगता है कि दुनिया को मुसाफिर खाना समझना बोलो छोड़ दिया सुबह शाम मौतें देख रहे हैं